पाकिस्तान के बेशतर अजला में गन्ने से गुड़ बनाने का सिलसिला जारी है। मियां चन्नू में गुड़ बनाने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर छोटे छोटे बेलने लगा दिए गए हैं, जहां से शहरी ताज़ा और केमिकल से पाक गुड़ खरीद रहे हैं। ये छोटे बेलने कैसे लगाए जाते हैं, इनसे गुड़ कैसे तैयार होता है, देखते हैं फरहान अली की इस रिपोर्ट में। गन्ने से गुड़ बनाने के अमल के पहले मरहले में मशीन के जरिए गन्ने से रस निकाला जाता है। पुराने जमानों में इन मशीनों को बैलों के जरिए घुमाया जाता था, लेकिन अब इसकी जगह भी मशीनों ने ले ली है। गन्ने से रस निकलने के बाद इसे एक बड़े से कड़ाहे में घंटों के लिए पकने के लिए छोड़ दिया जाता है। जबकि गन्ने के छिलके धूप पर सूखने के लिए रखे जाते हैं, जिनको बाद में गुड़ बनाने के लिए बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर बारिश या नाखुशगवार मौसम में इनके सूखने का अमल मुतासर हो जाता है, जिसकी वजह से गुड़ के बनाने के अमल में भी सुस्ती आ जाती है। रस पकने के बाद इसको लकड़ी से खास तौर पर बनाए गए एक बड़े परात या आथरा में डाला जाता है, जहां पर इसको ठंडा करने का अमल शुरू हो जाता है। इस अमल के दौरान गुड़ के तैयार किए गए इस मादे को मुसलसल हिलाया जाता है ताकि ये खस्ता रहे। कुमार बिलो ठेके जमीन ले दी रकबा हो तो वे कुमार लगाई दा, कुमार साल भर पौधा फिर उन्हें कटाई करके तो फिर ट्रालियां लोड करके बेलने के लियाई दा, फिर उसकी रस निकाली जाती है, फिर उन्हें कड़ाह च पाया जाता है, फिर उसे थले अग लगाई दी है, फिर वो पकता है, फिर वह गुड़ बनता है, फिर इतने रोड से बेलना लाया, फिर अभी बेचते हैं 200-250 किलो। इस अमल में तमाम ही अमला हिस्सा लेता है। फिर उसके बाद बेलने का एक शख्स एक खास वक्त के बाद इस ठंडे मादा से एक साइज की टिकिया बनाता है, जिसे आम जबान में गुड़ कहते हैं। बेहतरीन बन गई है, दुध थोड़ा भी पाइए तभी गाढ़ी चाह बनती है, सोहनी बन गई। हाँ जी, इस वास्ते असी गुड़ जरा पीता, ठंड वाली चाह पीए तो मजा नहीं आ रहा। गुड़ की तैयारी के बाद शहरी दुकान की बजाय ज्यादातर बेलने से गुड़ खरीदने को फौकियत देते हैं। गुड़ की टिकिया बनाने के दौरान इसमें मुख्तलिफ खुश्क मेवा जात भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसे आम तौर पर लोग बहुत पसंद करते हैं। अगर आपने भी अभी तक मियां चन्नू का गुड़ नहीं चखा तो एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा।